दिलों में धड़कने वाला प्यार कहाँ इतना सच्चा है। अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि हर इंसान सिंगल ही अच्छा है। शत्रुघ्न सिन्हा जी का बहुत फेमस डायलॉग एक ही वर्ड का है, बेसिकली हमने सुना होगा, कोई गेस कर सकता है? खामोश। तो आज की मेरी पोएट्री है खामोशी के पहलू। कहते हैं खामोशी सबसे अच्छा हथियार है, कहते हैं खामोशी सबसे अच्छा हथियार है, सुखी जीवन का यही तो सार है। मम्मी की डांट हो या बीवी का अत्याचार, बेसिकली हस्बैंड जानते होंगे, मम्मी की डांट हो या बीवी का अत्याचार, बेजुबान होकर सह लिए सारे बार। कहते हैं जब कोई कुतर्क करे, कहते हैं जब कोई कुतर्क करे तो उसे प्यार भरी मुस्कान दो, कटाक्षों का इस्तेमाल ना करके उसे अपनी खामोशी से मार दो। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, हर चीज का दो पहलू होता है, तो जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर खामोश रहकर हमने शांति पाई, अगर खामोश रहकर हमने शांति पाई तो शांति भंग करने में भी इस खामोशी ने कोई कमी ना बचाई। काश इस खामोशी को उस निर्भया के लिए तोड़ दिया होता, काश इस खामोशी को उस निर्भया के लिए तोड़ दिया होता, तो 1 जनवरी को कोई अपना जीवन ना खोता, उसकी जिंदगी में भी नए साल का नया सवेरा होता। वो रात की खामोशी, वो रात की खामोशी, खामोशी जिसमें सुकून की नींद आती है, उसी खामोशी में हमारी बेटियां अपना जीवन गंवाती हैं। वैसे तो प्यार में ना इंटरेस्ट नहीं है, ना समझ में आता है, लेकिन फिर भी कहते हैं खामोशी से दो नजर देखो, कहते हैं खामोशी से दो नजर देखो तो यही प्यार का इजहार है, पर शोर भरे धोखे के बाजार में खामोशी की क्या औकात है। या खामोशी किसी को आबाद तो किसी को बर्बाद कर जाता है। धन्यवाद।